अपने बालवीर होने की जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हटूंगा। अखंड शपथ लेने के लिए मैं तैयार हूं। अच्छा हुआ धरती पे हमने अपना ठिकाना बना लिया, कम से कम वो लोग यहाँ तो हमारा पीछा नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग थे कौन लेडियम, और हम डरकर यहाँ पर क्यों आ गए? मैं अपनी न्यू फाउंड पावर्स से उनको शिंकाई के बाहर फेंक देता। पंछी जब नया नया उड़ना सीखता है उसे पूरा आसमान अपना लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आसमान में चील और गिद्ध भी उड़ते हैं। लेकिन कभी कभी बड़ी जंग को जीतने के लिए छोटी जंग को टालना समझदारी कहलाता है, डर नहीं। कम ऑन मिस्टर बी, मैं अभी अभी उन कुएं के मेंढकों को जानवरों को गुड मैनर्स सिखा कर आया। एंड आई स्टिल फील दैट मैं आसमान मुड़ने वाला एक छोटा पंछी हूँ। नॉट डन मिस्टर बी। रे, तमीज से बात करो बामबाल श्री के साथ। सब्र मिलसा, सब्र। अपनी सोच को बड़ी बनाओ रे, छोटी सी ताकत पाकर इतने ज्यादा खुश मत हो। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम सिर्फ हवा ही नहीं, इस पूरी कायनात को काबू कर सकते हो। ओके, आई कैन लिव विद दैट मिस्टर वी। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। अगर मुझे इतनी सारी पावर्स मिलने वाली है तो मुझे कब तक वो एंटीडोट अमृत पीने के लिए जाना पड़ेगा? हम कोई परमानेंट वैक्सीन क्यों नहीं बना लेते मिस्टर बी? अब मेरे पीछे पीछे बोलो बालवीर, मैं आज पूरे ब्रह्मांड के सामने अखंड शपथ लेता हूं। मैं आज पूरे ब्रह्मांड के सामने अखंड शपथ लेता हूँ कि मैं बालवीर के रूप में हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। कि मैं बालवीर के रूप में हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। और मैं दुनिया पर मंडरा रहे इस नए खतरे को ढूंढ कर रहूंगा। हमें जल्द से जल्द उस महाताकतवर को ढूंढना होगा जिसके खून से रे के शरीर में कवक का असर खत्म हो जाए। मैं ये अखंड शपथ लेता हूँ कि 20 साल पहले का इतिहास जानने की कोशिश नहीं करूंगा। और आज के बाद मैं कभी भी अपने माता पिता के बारे में कोई सवाल नहीं पूछूंगा। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। और मैं यह अखंड शपथ लेता हूं कि माफ करना शौर्य, लेकिन इस बार मैं ये शपथ अधूरी ही लूंगा। कि मैं 20 साल पहले का अतीत जानने की कोशिश नहीं करूंगा और अपने माता पिता के बारे में आज के बाद कोई सवाल नहीं पूछूंगा। बालवीर, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। एक बार उस महाताकतवर का खून तुम्हारे शरीर में आ गया रे, तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अगर माँ को पता चला कि पूरे भारत में करके बिजली मेरी वजह से गई है, तो माँ का तो चेहरा बिल्कुल गुस्से से मर्क्यूरी प्लैनेट की तरह गर्म हो जाएगा। क्या करूं?
अब तो मुझे घर बड़े अंकल की मेमोरी क्लीन करनी पड़ेगी, प्लस भारत नगर की बिजली वापस लानी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो महाताकतवर हमारे आसपास ही है। अगर वो सुपर पावर हमारे आसपास ही है, then let's get him. ये हमने ठीक नहीं किया, बालवीर की भावनाओं को इस तरह से दबाना सही नहीं है। ऐसा करना जरूरी था बालपरी, ताकि बालवीर अपने कर्तव्य से ना डगमगाए और बुराई से लड़ते समय उसका ध्यान ना बिखरे। हाँ शौर्य, सिर्फ बालवीर ही नहीं लेकिन वीर लोग के हर एक निवासी का पहला धर्म है किसी भी कीमत पर अच्छाई की रक्षा करना। इसलिए मैं चाहता हूं बालपरी कि आप धरती पर रूप बदल कर जाएं और जिस नई बुराई ने अपना सिर उठाया है उसे ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है शौर्य। एक बात और बालपरी, मैं ये भी चाहता हूं कि धरती पर आप बालवीर के ऊपर भी पैनी नजर रखें। बालवीर पर नजर रखने की क्या जरूरत है, उसने अखंड शपथ ले ली है और मैं जानती हूँ कि वो अपनी शपथ कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए बालपरी, क्योंकि अगर बालवीर ने गलती से भी अखंड शपथ तोड़ दी तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। शौर्य मुझे सच से जितना दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे मन में सच जानने की इच्छा उतनी ही प्रबल होती जा रही है। इस पन्ने का कुछ हिस्सा तो गायब है। लोक इतिहास की किताब में भी मुझे कुछ नहीं मिला और शौर्य ने माँ को भी रोक रखा है। आखिर मेरे माता पिता के बारे में ऐसा क्या सच है जो मुझसे बार बार छिपाया जा रहा है? मुझे पता है, मैंने आपके थॉट्स पढ़ लिए हैं भैया। आप यही सोचते रहो ना कि हम बालवीर के ट्रेनिंग का अगला कोर्स कब शुरू करेंगे, राइट? हाँ विमान, मैं वही सोच रहा था। वेरी गुड, वही सोच रहा था। तो भैया आपकी विश पूरी होगी, आज मैं आपको बालवीर का नेक्स्ट लेवल वाला मैजिक सिखाऊंगा, सो गेट रेडी। अरे वाह, एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि विमान ने सच में मेरे मन की बात पढ़ ली। क्या हुआ देवू भैया, मैजिक सीखने का नाम सुन के आपको सुपर एक्साइटेड होना चाहिए लेकिन आप तो कोल्ड कॉफी की तरह ठंडे हो गए। जो जादुई शक्ति का इस्तेमाल मुझे पहले से ही आता है उसे फिर से सीखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कैसे डालूं विवान को? भैया इतना सोच के रहे हो, चलो चलो। अरे विवान, चले भैया। भैया बिल्कुल भी आवाज मत करना, आराम से। अब इस छोटे कोच से तो माँ ही बचा सकती है। अरे विवान कहाँ जा रहा है? ये क्वारंटाइन में हेल्प कराने के चक्कर में ना तूने अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद कर रखी है। लेकिन पढ़ाई लिखाई तो वो स्कूल वालों ने ही बंद कर दिए ना पैंडेमिक की वजह से। बोलो नहीं, सुनो, जाओ जाके अपनी बुक्स लेकर आओ साइंस की और साइंस के चैप्टर्स का रिविजन करके बताओ मुझे। दीपू भैया, माँ ने आपके एक्साइटमेंट में रूठा डाला है। मैं एक काम करता हूँ, मैं उनके ऊपर मैजिक करके उनकी सोच बदल देता हूँ। एक मिनट। माँ मैं पढ़ाई करने जाऊँ? अरे विवान, तू दिन भर तो घर में ही रहता है, जा ना बाहर जा, एंजॉय कर, खेल कूद, थोड़ा भागेगा दौड़ेगा तो सेहत अच्छी बनेगी, जा। हाँ जाओ, चलिए मैं सेहत बनाता है। यही है, जाना बुक्स लेकर वेट कर रही हूँ मैं।
लड़ाई करनी है ना। माँ के ऊपर किए हुए जादू का असर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मैं एक काम करता हूँ, फिर से जादू कर देता हूँ। एक मिनट, विवान तू गया नहीं बेटा, जाना बाहर खेल कूद, जा एंजॉय कर, प्रेशर ले। हाँ, चली भैया चली। ये तो जादू की जुगलबंदी हो रही है, लगता है अब मुझे कोई बड़ा जादू करना पड़ेगा। अरे भैया आप वेट क्यों कर रहे हो, चलो। हाँ चलो। रुक जाओ विवान, रुक जाओ विवान, रुक जाओ विवान। माँ, अब दुर्गा माँ कैसी बन गई? अगर तुमने घर से बाहर कदम रखाना रखाना तो मैं माँ काली भी बन सकती हूँ। आई एम सॉरी, वो क्या हुआ ना, तुम्हारी हेल्प करने के चक्कर में मैंने भी माँ पर जादू कर दिया। लेकिन उसका असर उल्टा हो जाएगा वैसे। अरे भैया अभी तक आपकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है, प्लीज कोई भी मैजिक ट्राई मत कीजिए। क्या पुसर कर रहे हो तुम दोनों? अब विवान, अब माँ के प्रकोप से बचने का एक ही रास्ता है, तुम माँ को अपने जादू से जल्दी जल्दी ठीक कर दो और फिर अंदर जाके पढ़ाई करने बैठ जाओ, हम प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे। गुड आइडिया। अब जाओ जाओ जाओ, पढ़ाई करता हूँ मैं, पढ़ाई जाओ। कभी कभी डांट खा के ही लाइन पे आता है। तुम कहाँ चल दिए, कहाँ के सक रहे हो? मैं वो टहल के आता हूँ थोड़ा। अरे तुम्हें क्वारंटाइन सेंटर में सब्जियां पहुंचा के आनी है। जी दुर्गा माँ, मतलब बिहारी माँ। मैं लाती हूँ। चलिए मिस्टर भी, अब इन अर्थलिंग्स को अपनी एंट्री अनाउंस करते हैं। चलो चलो, मैं बुराई करने के लिए मेरे हाथों में खुजली हो रही है। साबी साबी, ये रेवी मेरी तरह बुराई का शौकीन है, चलिए तहलका मचा देते हैं दुनिया में। क्या क्या क्या, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तो मिस्टर बी, लेकिन हम वेट किस बात का कर रहे हैं? Let's roll it. अपने जोश को थोड़ा काबू में रखो रे, ये वक्त बुराई फैलाने का नहीं, भूख मिटाने का है। अरे रे स्वामी, तो ऐसा बोलिए ना, खाने पीने के मामले में मैं तो ऊपर नंबर हूँ, अरे क्रमांक एक का भुक्कर। सुंदरी जी, स्वामी स्वामी खाएंगे? नहीं, बेवकूफ, मैं जानकारी की भूख की बात कर रहा था, क्योंकि आज के जमाने में जिसके पास जानकारी है वही सब पे भारी है। मिस्टर बी, आप ये पजल्स में क्यों बात करें, डिटेल में बताइए ना, ये जानकारी भूख व्हाट इट मींस। इस पूरे इलाके में अगर कोई जादू करेगा तो इस डिवाइस से हमें तुरंत पता चल जाएगा और फिर हम उस महाताकतवर को ढूंढ लेंगे। ग्रेट लेडी एम, उस सुपर पावर से मिलने के लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूं। अरे 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 मिश्रा जी, यहाँ पे ऐसे राउंड क्यों मार रहे हैं, सिक्योरिटी वाले बन गए क्या? मैं वॉचमैन को ढूंढ रहा हूँ देवू, मुझे राशन का सामान अंदर देना है, पर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर तो रात के 9 से सुबह 9 तक बंद रहता है, अभी तो 9:30 हो गए। ये टाइम मत बताओ, मैंने भी स्विस घड़ी पहनी हुई है। ओह सॉरी सॉरी मिश्रा जी, आप अपनी स्विस घड़ी में देखते रहिए और यहाँ पे चक्कर लगाते रहिए, मेरे नॉर्मल वॉच में टाइम नहीं है मेरे पास, मैं तो चला। अरे नहीं, कहाँ जा रहे हो? अरे नहीं निकल पाओगे देव,
अरे मिश्रा जी निकल जाएंगे। मिश्रा जी आप भी आ जाइए ना। ये भी सही कह रहा है। हाँ आप भी आ जाइए। हाँ मैं भी आता हूँ। देवू ये गैप थोड़ा सा कम है। मिश्रा जी गैप छोटा नहीं है। आपका 8-pack थोड़ा बड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको खींचता हूँ। आइए आइए। 1, 2, 3 लग रहा है। अरे सॉरी। काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती तो मैं भी ना 20 साल पहले वाला टुट्टू मिश्रा बन जाता। और अक्षय कुमार जैसा छरारा बदन, गुलशन ग्रोवर जैसे मेरे बाल और शक्ति कपूर जैसी स्माइल थी मेरी। अगर समय वापस आ जाता तो मैं भी इस गैप से ना मक्खन की तरीके बाहर आ जाता। वाह मिश्रा जी वाह, 20 साल पहले की पहेली अब सुलझ जाएगी। इंपॉर्टेंट आइडिया मिश्रा जी। अब मैं सिक्योरिटी वाले को चाबी लेकर भेजता। ओके बाय। अनन्या। हाँ मॉम। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए मॉम। हमारा बिछड़ा हुआ परिवार मिल चुका है तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस परिवार को पूरा कर ले। परिवार पूरा कर ले मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर रही हूँ। मॉम इस बात पे आप यही फुल स्टॉप लगा दीजिए प्लीज। अरे मैं अभी के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं तो 4-5 साल बाद के लिए बोल रही हूँ। मॉम 4 साल हो, 5 साल हो या 10 साल हो, मुझे जब भी अपने लिए लड़का ढूंढना होगा मैं खुद ढूंढ लूंगी, ठीक है? लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप से ज्यादा अच्छा फ्यूचर और कोई चुन सकता है क्या? अब वो तो है मॉम, लेकिन सोचिए अगर बच्चे अपना फ्यूचर खुद ही तय कर लेंगे तो ये तो माँ बाप के लिए और भी अच्छी चीज होगी ना। ये भी ठीक है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए नकाबपोश को चुना था। अरे मॉम नहीं चाहिए मुझे कोई। नकाबपोश? अब एक सेकंड मॉम। मॉम आप नकाबपोश की बात कर रही हैं? हाँ लेकिन अब तुम अपना फ्यूचर खुद चुनना चाहती है तो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं मॉम, आपकी चॉइस भी तो अच्छी है और वैसे भी अब तो मैंने उसका फेस भी देख लिया है। फेस तो मैंने भी देखा है। ना हैंडसम है ना वो मॉम, बिल्कुल ही डैशिंग। और दिल का नेक भी है। अब अनन्या अगर तुम्हें पसंद है तो मैं जाकर उसकी मम्मी से बात कर लूं। बट मॉम 5-6 साल बाद सेटल होने के लिए अभी से क्यों बात करनी है? देखो अनन्या मार्केट में जो भी अच्छा प्लॉट होता है ना उसकी बुकिंग पहले से करके रखनी चाहिए, फिर घर चाहे जब बनाना हो तब बनाएंगे। यू मॉम बहुत ही टैकी एग्जाम्पल दिया है आपने। बट आपका पॉइंट भी सही है, तो फिर चले करुणा जी के पास। करुणा आंटी के पास क्यों? अरे उनकी हाँ के बगैर रिश्ता कैसे पक्का होगा? चलो। अरे मॉम आई नो आप करुणा आंटी को बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, बट आपको नहीं लगता कि हमें पहले लड़के से पूछ लेना चाहिए कि उसकी भी हाँ है या नहीं? ये भी बात सही है। वैसे कहाँ मिलेगा मेरा फ्यूचर गन इन लॉ? सन इन लॉ मॉम। हाँ वही वही, कहाँ मिलेगा? वो इस टाइम पे क्वारंटाइन सेंटर में होगा। लेट्स गो मॉम। ए भाऊ कब से काम कर रहे हैं? ये ऊपर की टंकी में पानी कब आएगा बोलो ना। आएगा आएगा, मुझे लगता है नीचे वाली टंकी में पानी कम है। भाऊ ठीक से देखो, ऊपर तक पानी भरा हुआ है, टंकी फुल है। अरे हाँ टंकी तो फुल है, फिर पानी क्यों नहीं चढ़ रहा है ऊपर? कैसे सवाल पूछ रहे हो? प्लम्बर मैं हूँ कि आप हो? प्लम्बर तो मैं हूँ मैडम। मुझे लगता है जनरेटर खराब है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आपको जाके चेक करना चाहिए। हाँ चेक तो मुझे ही करना होगा, प्लम्बर तो मैं ही है। आप इधर ही रुको मैडम, मैं अभी जनरेटर चेक करके आता हूँ।
मशीन की आवाज आएगी, मुझे आवाज दे देना, ठीक है? घर में बहुत काम है, खाना नहीं बना है। आप बहुत जल्दी काम कर रहे हो प्लम्बर हो ना? आप करो। हाँ, हाँ, मैं आती हूँ। अरे रुको मैडम, अरे 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 यार, अभी चली गई, अभी अभी मशीन चालू होगा, कैसे कौन बताएगा? अभी क्या बताऊं, अभी ये पानी की आवाज कहां से आ रही है? अनन्या तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ उसे लेकर। अच्छा है, वैसे भी वो खड़ूस रहे मुझे देख के भाग रहा था, मॉम को देख के थोड़ी भागेगा। भाई साहब, अच्छा हुआ आप आ गए, जरा एक हेल्प करेंगे? मैं जरा जनरेटर चेक करके आता हूँ, मशीन से आवाज आए तो मुझे जरा आवाज दे देना, ठीक है साहब? इधर ही रुकना। क्या इसका मतलब? मैं एयर ही नहीं वाटर भी कंट्रोल कर सकता हूं।